गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल सब्जेक्ट जीके ऑफ क्लास 6 चैप्टर नंबर 32. द नेम ऑफ द चैप्टर इज राइमिंग फैमिलीज. यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में हैं. आपको फिगर्स भी दी गई हैं तो और यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दी गई है नीचे, तो आपको इस तरीके से देख के यहाँ पे फिल करना है. ओके, सो फर्स्ट इज इट टेल्स यू द टाइम इट इज़ अ. यहाँ पे कह रहा है कि ये आपको समय बताती है. ये क्या है? ये एक क्लॉक है. अब देखिए इसी क्लॉक से रिलेटेड सारे स्पेलिंग्स होंगे या फिर इसी का राइमिंग वर्ड सारे रहेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेकंड पे चलते हैं. सेकंड है अ की ओपन्स इट. इट इज़ अ डैश, मतलब एक चाबी इसे खोलती है. ये क्या है? ये एक लॉक है. लॉक और की होता है. ओके, थर्ड में देखिए यू वेयर इट ऑन योर फूट. इट इज़ अ, तो ये कह रहा है कि ये आप अपने पैर पे पहनते हैं. ये क्या है? ये एक सॉक्स है. ओके, नाउ फोर्थ नंबर इज यू प्ले विथ इट. इट इज़ अ डैश, आप इसके साथ खेलते हैं. ये क्या है? ये एक ब्लॉक है. ओके, नाउ फिफ्थ इज अ बोट कैन बी हियर. इट इज़ अ डैश, एक बोट यहाँ रह सकती है, मतलब आ सकती है. ये क्या है? ये एक डॉक है. ओके, नाउ सिक्स नंबर इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स. इट इज़ अ डैश, एक बर्ड का झुंड, इसे क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं. ओके, तो आप देखिए स्टार्टिंग से क्या क्या लिखा हुआ है. यहाँ क्लॉक, लॉक, सॉक, ब्लॉक, डॉग और फ्लॉक, देखिए सारे ही राइमिंग वर्ड हैं. ओके, सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.